हेलो गाइज़ वेलकम टू माय चैनल मेसी पेपर बाय केस में तो मैं कोमल बंडवाल एक बार फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इधर अभी आप लोगों को स्टिल लाइफ के बारे में स्टिल लाइफ की ड्राइंग करके बता रही हूँ कि 45 डिग्री का शेड मर्ज का शेड्स कैसा होता है आपको काम कैसे करना है तो मैं जब जो अब तक आपको स्टिल लाइफ के वर्क से मतलब वीडियोज़ बना रही थी वो सिर्फ एक सिंगल ऑब्जेक्ट पर था लेकिन जो आज मैं वीडियो बनाने वाली हूँ वो एक कम्प्लीट कंप्लीट ड्राइंग होगा जिसमें मैं बैकग्राउंड भी दिखाऊंगी जिसमें डेफरी भी डेफ्री कैसे बनाना या डेफ्री नहीं पता किसी को डेफ्री कहते हैं किसके हैं तो वो भी मैं दिखाऊंगी कि डेफ्री किसको कहते हैं और डेफरी पे ऑब्जेक्ट को जो भी आपको ऑब्जेक्ट है कैटल है या कुछ भी बनाना है आपको कटोरी या कुछ भी लैम्प कुछ भी बनाना है तो उसको आप डेफरी पर कैसे कंपोज करें वो भी साथ में बताओ क्योंकि ठीक है ऑब्जेक्ट तो है आपके पास लेकिन ऑब्जेक्ट को अच्छे से कंपोज़ करना भी बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्ट को अच्छे से कंपोज नहीं करोगे तो मतलब मजा नहीं आएगा मतलब तो ऑब्जेक्ट को भी कंपोज करना सिखाऊंगी मैं आपको कि आपको कंपोज कैसे करना है डेफरी को शेड कैसे करना है और उसके ऊपर ऑब्जेक्ट कैसे ऑब्जेक्ट को सॉरी कंपोज कैसे करना है तो मैं अभी आपको वीडियो में दिखाने वाली हूँ कि जब आप घर पे प्रैक्टिस करें तो आप कैसे कंपोज करें क्योंकि जब एग्ज़ाम में आएगा तो एग्ज़ाम में सिर्फ ऑब्जेक्ट तो आएंगे नहीं बैकग्राउंड में जो डैफ्री रहती है उसका भी आएगा और उस डेफ्री के ऊपर कैसे कंपोज क्या रहेगा आप ऑब्जेक्ट वो सब सब आएगा वहाँ पर भी टीचर रहते हैं तो अच्छे से वो कम्पोज़ करते हैं तो आपको भी वैसे ही कंपोज़ करना तो अभी मैं वीडियो में जैसा कि मैंने बोला मैं दिखाने वाली हूँ आई होप आपको समझ में आ आई होप आपको समझ में आए कि मैं जो बताने वाली हूँ अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं उसमें भी चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ फिर कि आपको कंपोज कैसे करना है तो गाइज आप देख सकते हैं कि ये मेरा कंपोजिशन है इसे डेफरी कहते जो मैंने पीछे कपड़ा रख रखा है और जिसपे मैंने ऑब्जेक्ट रखा है तो ये कपड़े को ही डेफ्री कहते हैं अगर किसी को पता नहीं है तो डेफ्री कैसे कहते हैं तो इसे ही डेफ्री कहते हैं कोई भी कपड़ा यूज कर सकते हैं आप ठीक है कपड़ा आपको कैसे यूज़ करना ये भी मैं बता दूँ जब आपको ऑब्जेक्ट लाइट रहे मतलब लाइट कलर का हो आपका ऑब्जेक्ट तो जो क्लोथ आप यूज कीजिएगा डेफरी वो डार्क रखिएगा और जब आपका ऑब्जेक्ट डार्क रहे तो आप जो क्लोथ यूज़ कीजिएगा वो लाइट रखिएगा ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि मान लीजिए आपको ऑब्जेक्ट डार्क है और क्लोथ भी डार्क रखा आपने तो जब आप सेड दोगे तो दोनों में डार्क डार्क सेड आएगा तो दोनों एक दूसरे से निकल के नहीं आ पाएगा अगर आप इसे ये लाइट और ये डार्क रहेगा तो फिर ये लाइट में निकालोगे आप हल्का शेड करोगे इसको डार्क सेट करोगे तो जो आपको जो ड्राइंग है जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत अच्छे से निकल के आएगा या फिर ये लाइट रखोगे ये डार्क रखोगे तो ये डार्क वे में करोगे और ये लाइट वे में तो फिर आपका ऑब्जेक्ट एकदम लगेगा कि हाँ वो निकल के आए तो जब भी आप एक कोई ऑब्जेक्ट रखें तो डेफ्री भी कैसे चूज करना है आपको वो भी ध्यान रखें जैसा कि मैंने बताया तो आप वैसे डेफ्री चूज करें प्लस इसको कंपोज कैसे करना है ये तो जैसे कि अगर मान लीजिए मैं ग्लास को इसके ऊपर रख दूँगी तो ये परफेक्ट कंपोज नहीं लग रहा मतलब उतना मज़ा नहीं दे रहा जितना मज़ा ग्लास को यहाँ पे रखने पे दे रहा था या इस ओनियन को मैं यहाँ पे रख दूँ तो ये एकदम से फैला फैला इतना अच्छा नहीं लग रहा कंपोज करके और यहाँ पे एक साथ में यहाँ पे रखूँ तो एक कंप्लीट कंपोज लग रहा है तो आपको भी ऐसे ही कंपोज करना है शुरू शुरू आपको जो जो मैंने कंपोज किया है मुझे भी एक बार में नहीं किया है मैंने तीन बार चार बार पांच बार मैंने अलग अलग एंगल से रखा है फिर लगा कि हाँ ऐसे होना चाहिए ऐसे अच्छा लग रहा है तो फिर मैंने इसे ऐसे कंपोज किया है तो जब भी आप करें तो आप एक एंगल नहीं चार पांच एंगल से रख के देखें तब कंपोज़ करें मे बी अगर आप फर्स्टली अगर आप वेब मतलब नए नए हैं आपने कभी ऐसे कंपोज नहीं किया तो आपको शुरू शुरू अच्छे से ना करना है अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि सही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तो आप एक फ़ोटो क्लिक कर ले फोन पे उससे क्या होगा कि फ़ोन पे टूढ़ी दिखता है टूड़ी जल्दी समझ में आता है तो आप फ़ोन पे फोटो क्लिक कर ले और फिर फोन पे देखें कि वो सही दिख रहा है कि नहीं नहीं दिख रहा है तो आप दूसरे एंगल से ऑब्जेक्ट को रख के आप पलट पलट के रखें और फिर उस टाइप से क्लिक करें तो लगे कि हाँ अब ये सही दिख रहा है तो फिर वैसे कंपोज करके आप ड्राइंग करें और साथ में देखिए इसके जो डेफ्री के पीछे मैंने बैग रख रखा है स्कूल बैग जो होती है वो रख रखा है पीछे ताकि ये जो डैफरी है थोड़ा ऐसे तिरछा उठ के आए अगर मैं नहीं रखती तो एकदम अंदर की ओर चला जाता तो ये मज़ा नहीं देता जब हम लोग भी जब मैं भी ट्यूशन किया करती थी तो हम लोग बैग का यूज़ करते थे और बैग के ऊपर ही डैफ्री रखा करते थे और साथ में थोड़ा और अच्छा लुक देने के लिए कि लगे कि किसी पर रखा है तो मैंने यहाँ पर दो बुक रख दिए हैं अंदर आप देख सकते हो अगर मैं दिखा दूँ आपको डेफ्री उठा के वेट मैं आपको तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैंने अंदर बुक रख रखा है तो मैं आपको एक बार दिखा दूँ कि आप देख लो कि मैंने सच में बुक रखा है तो मैंने ऐसे आप बुक कंपोज कर लो आप भी रख सकते हैं उसके ऊपर मैंने यू डेफरी डाली है और ध्यान रहे कि सिर्फ डेफरी डालना नहीं है डेफरी के फोल्ड भी बनाने क्योंकि फोल्ड बने रहते हैं और इसके मेन ये ज़्यादा काम करता है कि लगना चाहिए कि हाँ ये बुक है तो मैंने यहाँ पे फोल्ड अपने से बनाया है ठीक है तो ये अगर मान लीजिए कि आपको दो ऑब्जेक्ट पे काम करना है एक छोटा एक बड़ा ऑब्जेक्ट तो बड़े ऑब्जेक्ट को आप नीचे रख सकते हैं छोटे ऑब्जेक्ट को ऊपर रखिएगा वो अच्छे से कंपोज लगेगा मान लीजिए बड़ा ऑब्जेक्ट एकदम से ऊपर रख दिए छोटा नीचे रख दी तो मज़ा नहीं आएगा तो आप जब कंपोज करें तो ऐसे ही कंपोज करें यही तर, यही सही तरीका होता है कंपोज करने का और साथ ही गायज मैं बता दूंगी जैसा कि मुझे कमेंट में आया था कि मैम ट्रांसपेरेंट पे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट पे काम कीजिए तो ये शीशे का ग्लास रखा है जो ट्रांसपेरेंट है मैं करके बताऊंगी और साथ कहा था कि स्मूथ में काम करके बताइए तो आज मैं जो वर्क करूंगी वो स्मूथ में करूंगी ट्रांसपेरेंट ग्लास है ये सॉरी स्मूथ में करूंगी और ये ट्रांसपेरेंट भी है तो दोनों काम हो जाएंगे इसमें एंड साथ में गाइज मैं थोड़ा तो सामने से भी दिखा दूँ कि मेरा ऑब्जेक्ट क्या है दो चाय की कप रखें शीशे की एक शीशे की गिलास रखें जिसमें एक, एक स्पून है और दो अनियन रखें तो आप कुछ भी रख सकते हैं ये आप पे डिपेंड करता है बस अच्छा कंपोज होना चाहिए और अब एग्जाम आ रहा है तो आप ऐसे ही तीन चार ऑब्जेक्ट ले कर पे रख के ऐसे कंपोज करके प्रैक्टिस करो जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करें और आई होप आपको समझ में आ गया होगा आपको कंपोज कैसे करना है एंड में थोड़ा दूर करके भी दिखा देती हूँ दूर से कि ये कैसा दिख रहा है कैसा मैंने कंपोज किया है तो गाइस आप दूर से देख सकते हैं ये कैसा दिख रहा है ये बिल्कुल इस टाइप से कंपोज करना चाहिए यहाँ पे कपड़े मैंने हैंग कर रखे हैं विंडो पे और ये एक, एक टेबल है जिस पे जो जिस पे आप स्टडी टेबल पे मैंने कपड़े को बिछा रखा है उसके ऊपर मैंने दो बुक रखे हैं फिर उसके ऊपर ऑब्जेक्ट रखा है आप जरूरी नहीं कि आप बुक रखें आप बिना बुक का भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं बस आपका ऑब्जेक्ट कंपोज लगना चाहिए कि आप कैसे कंपोज करो ये बहुत मैटर करता है किस हिसाब से मतलब कंपोजिशन जो ऑब्जेक्ट का है वो अच्छा होना चाहिए और डेफरी का फोल्ड भी दिखाइएगा ये सब देखिए मैंने फोल्ड दिखाया है डेफरी का तो मैं बैकग्राउंड में डेफरी फुल फिगर करके बताऊँगी आई होप आपको पसंद आए तो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा कि आपको कंपोज कैसे करना है तो ये जो मैं मेरा जो इस बार का स्टिल लाइफ ये तीन पार्ट में वीडियो होगा फर्स्ट पार्ट तो मैंने जो आपको आज दिखाया कि कैसे कंपोज करना है वो है सेकंड पार्ट में जो रहेगा वो स्केचिंग रहेगा एंड थर्ड पार्ट में मैं आपको मर्ज़ में शेड करके बताऊँगी तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आ तो गाइज जो मैंने आज आपको बताया कि कैसे कंपोज करना है आपको कैसा लगा आ, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे और कोई क्वेश्चंस उठ रहे होंगे कि और भी कुछ जानना होगा तो वो भी पूछ सकते हैं आप मुझसे बेझीझक तो चलिए फिर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ले और मेरे सारे जो वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे तो बेलाइकिन पर क्लिक ज़रूर करें तो गैस फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नमस्ते